गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम नरेशन के बारे में कहा है, नरेशन स्टार्टिंग सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया, इंपरेटिव सेंटेंस चल रहा है। अब इंपरेटिव सेंटेंस में लेटेस्ट, इसमें दो वीडियो बना चुके हैं और अगला वीडियो है लेटेस्ट का प्रयोग जब आता है तो उसका नरेशन कैसे बदलता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इसके बारे में बताते हैं। देखिए, दिया गया है जब रिपोर्टिंग स्पीच से प्रस्ताव का भाव प्रकट हो तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब सेट के स्थान पर प्रपोज या सजेस्टेड होते हैं। तो ऐसे वाक्यों में जहाँ पर प्रस्ताव दिया जाता है उसमें शुरुआत करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब से पहले। रिपोर्टिंग वर्ब को पहले बदलते हैं प्रपोज या सजेस्टेड, अर्थात सुझाव या प्रस्ताव। इसके बाद नरेशन में या रिपोर्टिंग स्पीच में लेटस आता है तो लेटस के स्थान पर दैट दे सूरत या दैट विश्व का प्रयोग करते हैं। इतना तो नियमता है। इसके बाद बाकी जो है पर्सन, नंबर, जेंडर, टेंस, अगर इन सब का भी परिवर्तन करने को आता है तो इसको एसर्टिव सेंटेंस के अनुसार परिवर्तित करते हैं। अब बात आती है एग्जांपल पर, देखते हैं कैसे कहाँ बदलता है। पहला एग्जांपल है रवि सेट मी है, लेटेस्ट गो फॉर मॉर्निंग वॉक, न्यूटेक काम में है, लेटेस्ट आया हुआ, सब में लेटेस्ट आया हुआ, लेटेस्ट आया हुआ है। तो इससे मालूम है किसने प्रस्ताव किया गया। जब प्रस्ताव किया गया रहता है तो उसका हम परिवर्तन इसी नियम के तहत करते हैं। दिया है रवि सेट के स्थान पर प्रपोज हुआ, प्रपोज मी, और लेटेस्ट के स्थान पर दैट सुर का प्रयोग हुआ और मेन वर्ब से पूरा लिखा गया वो फॉर मॉर्निंग वॉक। इस तरह हुआ रवि प्रपोज मी दैट दे सुर गुड फॉर मॉर्निंग। अगला है कविता सेट हिमल, लेटेस्ट सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास। अब इसमें जो है कविता सेट के स्थान पर प्रपोज हिम हुआ, प्रपोज हिम दैट दे सुर सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास हो गया इसका परिवर्तन। तो कविता प्रपोज हिम दैट दे सुर सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास में इस तरह से इसका बदला गया। अगला है मीरा से मी, लेटेस्ट राइट लेटर टू योर फादर। अब है मीरा प्रपोज मी है, लेटेस्ट स्थान पर शुरू हुआ, राइट लेटर टू माई फादर, योर के स्थान पर माई फादर हो गया, इस तरह से बदला गया। अगला है संजय से लेटेस्ट बी फोर टूगेदर हुआ, संजय से के स्थान पर प्रपोज हुआ, प्रपोज थर दैट दे शुड ईट फूड टुगेदर इसका परिवर्तन हुआ। अगला है ही सेड टू यू है, लेट अस वॉक टुगेदर इसका हो जाएगा ही प्रपोज यू दैट दे शुड वॉक टुगेदर, दे शुड वॉक टुगेदर। अगला है मोहन सेड टू हर, लेट अस गो टू स्कूल हुआ, और इसका जो है मोहन प्रपोज हर दैट दे शुड गो टू स्कूल। इस तरह से इंग्लिश ग्रामर में नरेशन का परिवर्तन सेंटेंस बाय सेंटेंस करते आते हैं तो सरलता होती है, और इसके नियमों पर भी ज़्यादा ध्यान देना जरूरी होता है। अगर नियमों पर ध्यान देते रहते हैं तो पूरी जानकारी होती रहती है कि कहाँ पर क्या करें।